लेखिका सुधा मलैया ने अपनी पुस्तक कथा राम जन्मभूमि मंदिर के नव निर्माण की जानकारी दी और कहा कि वो 6 दिसंबर 1992 की घटना की प्रत्यक्षदर्शी हैं। 6 दिसंबर 1992 की घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी सुधा मलैया ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन के इतिहास को क्रमवार तरीके से बताया। डॉक्टर सुधा मलैया ने राम जन्मभूमि मंदिर पर एक पुस्तक लिखी है, कथा राम जन्मभूमि मंदिर के नव निर्माण की। सुधा मलैया 6 दिसंबर 1992 की घटना की प्रत्यक्षदर्शी है और उन्होंने ही सर्वप्रथम देश को बाबरी ढांचे के मलबे से प्राप्त मंदिर के वास्तु अवशेषों तथा विष्णुहरि मंदिर अभिलेख की जानकारी दी थी। बहुत लोगों में आम धारणा है कि विश्व हिंदू परिषद ने और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया स्वतंत्रता के बाद, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम भी है कि राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए आंदोलन तो उसी दिन प्रारंभ हो गया था जिस दिन 1528 में बाबर के सिपह सालार जो कि शिया मुसलमान था मीर बाकी ने बाबर के कहने से राम जन्मभूमि मंदिर तोड़कर वहां मस्जिद बनाई और बाबर के नाम से वो बाबरी मस्जिद कहलाई। इसके बारे में कोई शंका नहीं थी किसी को, 1985 के पहले किसी को शंका नहीं थी। भारतवर्ष में 3000 मंदिर टूटे थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।